तेरस के दिन क्या हुआ बताओ। आज एक प्रकार से सुनो, तो ये क्या हुआ? उन्होंने सोचा वस्तुस्थिति क्या है। हरेक तीर्थंकर के सामने एक लंबी चौड़ी अतीत काल में तीर्थंकरों की लगी, इतने सारे के सारे, और यह वैभव सीमित सारे के सारे कितनी बार छोड़े गए, वही कोई भी अंतर नहीं। 14 रत्नों में कोई अंतर नहीं, 9 निधियों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, किंतु यह वैभव स्वर्गों में भी नहीं मिल सकता। यह ठीक है, इतना भी तो ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनकी मनोदशा क्या है, आप लोगों को सोचना है। इसलिए तिथियां सार्थक हो जाती हैं। आज संभव है गणधर परमेष्टि को आज ऐसे अंतिम धारणा करनी है या उपवास लेना है, तो क्या होगा? 2 दिन का ले लिया, निर्वाण के दिन महावीर को सुबह सुबह मोक्ष होगा, और उसी दिन गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान होगा। यह तिथि धनतेरस की आज उनके लिए है, ये महावीर भगवान के लिए नहीं। उनका तो बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया, अब क्या कहा इनका? सुनो क्या अद्भुत है ये। ऐसा इनको अनुगामी अनुबद्ध खेवड़ी बोलते हैं। तीर्थंकरों के दिन मुहूर्त हुआ समय, उसी दिन इनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान का अभाव एक दिन के लिए भी नहीं हुआ शाम को। इसीलिए दिवाली जो मनाई जाती है गणधर परमेष्टि के अनुसार मनाना तो बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान हो गया और दीपक लग गए शाम को, सुबह इनको निर्वाण हो गया।